अब तो आप ज्यूरी का हिस्सा रह चुके हो तो अगर जो शो बनाते हैं द मेकर्स ऑफ द शो उनमें और जजेस में क्लैश हो जाए जजेस बोले मुझे ये बंदा या बंदी चाहिए और मेकर्स कहें कि नहीं यार ये नहीं चलती किसकी सुनी जाती है नेक्स्ट <laughs> क्वेश्चन <Next question. laughs> यार ये मेरी रील वाली <laughs> मोमेंट है यार <laughs> <laughs> किसी और ने गाया हुआ था पहले दिस अनदर फीमेल सिंगर hmm. क्योंकि मेरे को तो लास्ट मोमेंट मिला ये <laughs> तो आई डोंट वांट टू टेक द नेम बट किसी ने गाया तो उसने भी अच्छा गाया हुआ था अच्छा गाया था पक्का अच्छा गाया था अभी इतना अच्छा गाया होता तो फिर उसी की आवाज yeah! <laughs> ये ये वाली बोल सकती है क्योंकि उनका नाम नहीं ले रही ठीक है ठीक है यू नो तृप्ति रणवीर शी इज लाइक द नेशनल क्रश राइट नाउ ओ भाभी टू कप 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 वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सीट विद और और मेरे साथ एक वेरी पॉपुलर फीमेल फेस ये आधा टाइम आजकल हवाई जहाज में बताती हैं <laughs> कम टाइम मुंबई में बताती हैं और अगर कुछ टाइम मिले तो दिल्ली और अपने होम टाउन की तरफ आती है वेरी पॉपुलर नेम ऑन इंस्टाग्राम अ वेरी टैलेंटेड सिंगर रूपाली वेलकम टू रेडियो सिटी थैंक यू सो मच आरजे uh, तो हम दोनों का कॉमन है I am mm -hmm. also आरजे he is also आरजे और यू ही इज लाइक मोर ऑफ माय फ्रेंड फर्स्ट Absolutely। मेरा तो दोस्त है और uh, मुझे आज बुलाया है आई एम हियर टू इंटरव्यू आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मैं कहने वाला था कि मैं रूपाली को इतने से जानता yes. हूँ पर तो इतने से जानता हूँ थोड़ा सा रह <laughs> गया बट वोट एन जर्नी यार मैंने रूपाली की जर्नी तो देखी है एंड uh, मुझे ऐसा लगता है दैट इफ रियलिटी शोज़

तो मैं जिम में थी एंड जगह सर कॉल्ड कि ऐसे ऐसे गाना है तो आजा भी. Hmm. I mean, अभी आ जा आई अभी आ जाओ सर hmm. बिल्कुल अभी आ जाओ तो मैं जिम के कपड़ों में आधा ट्रेडमिल से उतर के सीधा कार में बैठ के आई वेंट टू बैंड स्टूडियो एंड टू माय सरप्राइज इट वाज नॉट दिस सॉन्ग व्हिच आई वाज सिंगिंग दूसरा गाना कोई था जो मैंने गाया फिल्म Uh, let's not talk okay, चलो <laughs> गाना मैंने गाया जिसको मैंने दो घंटे और क्योंकि जब आप दो घंटे ऑलरेडी गा चुके तो ना सेकेंड गाना में चलो ठीक है ऐसे वाले उसमें उसको डब किया मैंने बीस मिनट में आई डब दिस सॉन्ग ये वाला ट्वेंटी मिनट्स और कोई एक्सपेक्टेशन से अब हम डब नहीं करते हैं बिकॉज आई एक्चुअली फील कि जब तक आप अपना गाना थिएटर में खुद जाके सुनना डोंट बिलीव एनी अब हम तभी बिलीव करते हैं कि हमारी आवाज में गाना रिलीज होगा जब वो एक्चुअली थिएटर में सुनाई देता है सर खुद से जाके सुनो किसी <laughs> को भी, किसी का भी नहीं सुनो ठीक <laughs> <laughs> so, है मैंने गाया नाउ व्हाट वी डू गा के हम पूछते भी नहीं है किसी को कि कब आएगा कैसे हुआ कुछ नहीं आएगा I तो I आपको ये भी नहीं पता था कि किस पे फिल्माया जा रहा है कौन सी फिल्म का है सब कुछ नहीं पता था ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं बताया गया था उस टाइम तक तो एंड आई लेफ्ट मूवी रिलीज मैंने एक हफ्ता पहले गया था मूवी रिलीज होने से मूवी रिलीज होने के एक दिन पहले जेगर तेरी आवाज गई है

<laughs> hmm. so being her voice is also very big for me you know पर मुझे पूछना पड़ेगा ये सोचो आप स्टूडियो में जाते हो और आपको नहीं पता कि किस पे फिल्माया जाएगा हाँगी. so you don't have an imaginary figure yes है ना अब yes, उस पे करीना कपूर होगी तो शायद आप कुछ और शायद आप अलग तरीके से गाओगे absolutely. या आपको स्टोरी का थीम पता होगा सिचुएशन हाँ, पता होगी there is a different approach to a song but इसमें जब कोई अप्रोच है ही नहीं hmm. it's a blind spot that you're hitting जनरली बता देते हैं आई फील बट ये वाला गाना किसी और ने गाया हुआ था पहले दिस अनदर फीमेल सिंगर क्योंकि मेरे को तो लास्ट मोमेंट मिला ये गाना। तो आई डोंट वांट टू टेक द नेम बट किसी ने गाया तो उसने भी अच्छा गाया हुआ था अच्छा गाया था पक्का अच्छा गाया था अभी इतना अच्छा गाया होता तो फिर उसी की आवाज ये <laughs> ये वाली बोल सकती है क्योंकि उनका नाम नहीं ले रही

और जैसे हर सिंगर गाने से पहले बोलता है, मेरा <laughs> okay, <laughs> है। आज मेरा थोड़ा गला खराब ओके बट ये जेन्युनली आज ये भी बोलता हर सिंगर जेनुअनली आज ही खराब हुआ सुबह <laughs> मैं उठाना सुबह तो ओके okay. <laughs> है तुम्हारी बात बथेरी बात से दिल ना क्या करोगे फोटो का मेरी आके मुझको ले जाओ ना रसता तो देखे मेरी अम्मा तेरा ओ मेरी क्यूटी ओ मेरी क्यूटी ओ मेरी क्यूटी तेरे होटो की सेंड कर फोटो ममस कर चुम्मा जरा ओ मेरी क्यूटी तेरे होटो की सेंड कर फोटो ममस, ममस कर चुम्मा जरा सुपर्ब यार मैंने बहुत सारे लिरिक्स राइटर को कई बार ये कहते सुना है कि जब एक टाइप का गाना लिखना हो तो हम एक जोन में चले जाते हैं right. अब सडनली एक ऐसा गाना गाना है किस मूड में आ रहे हो चलो अभी तो आप एनर्जेटिक थे बिकॉज़ hmm. आप जिम से आ रहे थे यो प्रॉब्ली इन अ वेरी डिफरेंट ज़ोन इन लाइफ आल्सो पर प्रिपरेशन लगती है कि एक्चुअली आई वाज वेरी लो दैट

मोर uh, myself on stage I'll say hmm. so सो उस टाइम भी बहुत कुछ होता है कभी कभी एंड योर पर्सनल लाइफ इज नॉट रियली गुड बट स्टेज वो ऐसी वो एक वाइब वहाँ पर ऐसी होती है ना कि आप सब खुद ही भूल जाते हो देट हेल्प्स यू स्टेज हेल्प्स यू आई फील तो जब आप वहाँ पर होते हो यू फॉर एवरी थिंग रूपाली कितना टाइम हो गया आपको परफॉर्म करते हुए एट डिफरेंट स्टेजेस व्हेन यू स्टार्टेड वेयर यू आर टुडे डू यू हैव अकाउंट ऑफ द सॉन्ग्स दैट यू हैव संग द शोज दैट यू हैव डन कब गिनने में बिलीव नहीं करती आई डोंट डू दैट बट आई एम रियली ग्रेटफुल मैं बस इतना कह सकती हूँ कि माता रानी का बहुत बहुत शुक्र है बहुत uh, मुझे प्यार मिला फैन से फैमिली से एंड आई वॉन्ट टू गिव अ अड ऑफ क्रेडिट टू माई डैड पापा की वजह से आई थिंक आई वेर एवर आई एम टूडे मैं तो बहुत पहले गिव अप कर चुकी होती है बिकॉज आई हैव बिन पार्ट ऑफ सो मैनी रियलिटी शोज और बहुत फेलियर्स भी देखे बिगनिंग में पॉइंट आई लाइक नहीं हो रहा पापा नहीं करना मुझे यू नो बट माय डैड ही ऑलवेज बिलीव कि तू कर लेगी तू कर लेगी डोंट गिव अप सो उनकी वजह से आई केप डूइंग इट सिंगिंग

फोर ईयर्स yes, यार चार साल का बच्चा चलो ये ये नहीं बोल रहा हूँ टेक्निकली जानता है कि नहीं जानता बट जस्ट दैट कि वो माइक पे गा रहा है या चार लोगों के सामने पचास लोगों के सामने गा रहा है आप जो अट्ठारह में शुरू कर रहा है उसके मुकाबले में दैट कॉन्फिडेंस दैट पोजिशनिंग दैट पंच एंड दैट स्टेज प्रेजेंस वो ऑटोमेटिकली आएगी ड्यू यू थिंक स्टार्टिंग अर्ली इज एन एडवांटेज इफ़ वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पाँच साल पहले तो आई वु सेड येस बट आज का जो टाइम है विद द सोशल मीडिया एवरी थिंग आई फील जो गलत भी है mm -hmm. क्योंकि आजकल के सिंगर्स मुझे लगता है दे डोंट बिलीव इन लर्निंग ओनली ऐसा लगता है भी एक मिनट का वीडियो बनाया इंस्टाग्राम पर डाले एंड कभी कभी वायरल हो भी जा रहे हैं विच जस्ट गिविंग दैम अ बूस्ट बट आई वगैन से कि वो बहुत शॉर्ट

सुबह पाँच बजे की ट्रेन लेना अ किड ऑफ सिक्स इयर्स नाउ यू कैन इमेजिन तो छे सुबह चार बजे उठना रेडी होना छः बजे की ट्रेन लेके आठ बजे वहाँ पहुँचना फिर mm -hmm. मैम का वेट करना चार घंटे mm -hmm. सीखना वापस आना सेम डे नेक्स्ट डे स्कूल जाना सो आई थिंक मेरा बचपन हैज बिन सराउंडेड बाय म्यूजिक मैं उतना ज़्यादा बच्चों में खेल के बड़ी नहीं हुई mm -hmm. मेरा पास टाइम या मेरा एवरी थिंग एन्जॉयमेंट म्यूजिक ओनली दो डिफरेंट चीज होती है जैसे मेरे माँ बाप करना चाहते थे mm -hmm. किसी कारण नहीं कर पाए उनका सपना था वो अपने mm -hmm. बच्चों में अपना सपना चाहते हैं कि वो right, पूरा करें वॉज दैट दस और यू ऑल्सो फाउंड योर फर्स्ट लव एज म्यूजिक

एंड uh, इनके फादर साहब बैक स्टेज खड़े रहते थे ही यूज़ टू प्रिपेयर थिंग्स अराउंड के अशाब रूपाली ऐसे जाएगी फिर वो खुद वीडियोज़ बना रहे हैं लाइक अ फादर डज फॉर द डॉटर तो वो uh, तो हार्डवर्क देखा है बट दैन द ट्रांजिशन सहारनपुर से अम्बाला से जो भी आप कह लो वहाँ से एक लड़की डिसीजन लेती है कि मैं बॉम्बे जाऊँगी ठीक okay. है आपने रियालिटी शोज जीत लिए ऑनेस्टली रियालिटी शोज आज के बहुत कॉमन हुआ मैं रियालिटी शोज़ में जीतना रनर्स अप आना फर्स्ट फाइव में आना डज़ नॉट गिव यू गारंटी yeah, absolutely. that you will pull off something in Mumbai. Absolutely. How do you take that that decision? कि मैं मुंबई जाऊंगी कैसा लिया आपने वो डिसीजन? I think मैंने ना टीवी तब किया जब एकदम राइट टाइम था mm -hmm. 2016 ना सारे का mm -hmm. उस टाइम टीवी का व्यूअरशिप बहुत अच्छा था एंड mm लकीली -hmm. सारे का मापा दैट टाइम ट इज व रियली गुड ऑफ माई सीजन और आई वॉज नॉट द विनर आई वॉज द फाइनलिस्ट बट आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो लोग मुझे आज भी इतने गाने करने के आते पीपल आर लाइक आपको सारे का मा हमें देखा था आपको एंड दे टेल मी द सॉन्ग ये गाना आपका बहुत अच्छा लगा था सो आई थिंक सारे कााम प्पा गेव मी अ लॉर्ड ऑफ फेम यू नो नेम एंड ऑल्सो उसके बाद लाइक इट डजन गिव यू एनी गार्टी बट मैंने मेक श्योर किया यू नो आई यूज माई सोशल मीडिया एंड आई वज आउट दैर आई स्टार्ट डूंग आई थिंक ये पूरा जो जर्नी है

ईमानदारी से यार पसाव मत मुझे समझ गया <laughs> आधा आंसर समझ गया आधा बता दो <laughs> oh my god no but uh, see इट्स ऑल बिजनेस एल से है ना तो mm -hmm. so, जब हम अपना कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो हम हर चीज़ दिखते हैं ना उसके लिए mm -hmm. तो वो भी बिजनेस है अगर आप स्टेज पर हो तो so वो दे डेफिनेटली द क्रिएटिव टीम सी कि आपकी पर्सनैलिटी क्या आप परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप हाउ यू टॉक टू पीपल बिकॉज ये सब एंड आई थिंक हमको भी स्टेज पर जाना सो so ये सब सीखने में कोई बुरी बात नहीं है सो आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स विच दे सी एंड आई थिंक आर वेरी ओके अबाउट इट और ये mm -hmm. हम कुछ भी करेंगे तो ये हर कोई करता ही है सो दैट्स ओके

क्या कोई जज बोलता है अंदर ही अंदर के मुझे ये पसंद है इसको मैं अपनी टीम में रखूंगा या इसको टॉप फाइव में लेके हाँ, जाऊँगा ये सब होता है से फेवरेटिज्म uh, तो मैं वर्ड नहीं यूज करूंगी डेफिनेटली अगर कोई सिंगर अच्छा गाता है और सामने वाले जज को पसंद है तो दे दे फाइट फॉर दैट कि आई वांट दिस पर्सन इन माय टीम लाइक इन माय शो सारे कम अपा आई वाज इन द टीम ऑफ मेकअप आजी सो ही हैज़ ऑल ऑलवेज सपोर्टेड मी ऑन द शो तो या, वो थोड़ा तो आप अब तो अब जूरी का हिस्सा रह चुके हो तो अगर जो शो बनाते हैं मेकर्स ऑफ़ द शो उनमें और में क्लैश हो जाए जजेस बोले मुझे बंदा या बंदी चाहिए और मेकर्स कहें कि नहीं यार ये नहीं चलती किसकी सुनी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये मेरी रील वाली मोमेंट है यार <laughs>

मैं कह सकता हूँ सोशल मीडिया ले इंडस्ट्री में हाउ डज अ लर्नड सिंगर लाइक यू फील अबाउट द दिनारियोज जब आप गाना गा के आते हो शायद किसी और के आवाज़ में रिलीज हो जाता है yes. जब काम नहीं मिलता है प्रॉबली जब आप बहुत ईजीली रिप्लेसेबल हो फॉर वट एवर रीजन जब कोई भी आता है दो गाने वायरल उसके हो जाते हैं चाहे वो ऑटो ट्यून से भरे हों चाहे कुछ एक मोमेंट हो जाए सिर्फ right. दो लाइन हो जाए हुक हो जाए वर्सेज समर्नड म्यूजिक फॉर फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ और वो ऊपर निकल जाता है वेर डू यू सी योर सेल्फ एज सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड आर्टिस्ट और कहाँ पोजिशन करते हो आई थिंक ये सबसे थोड़ा आगे आगे हूँ मैं आई एम वेरी सिक्योर इन माई लाइफ क्योंकि टचवर्ड लकी मैं बहुत शोज किए हैं

मैं ऑफ so तो कैमरा पूछ लूंगा वैसे वो, वो <laughs> बट हाँ ठीक है बट देयर इज अ लॉट इन पाइपलाइन एंड रही बात रिप्लेस होने की दैट्स देयर बहुत बार हमारे मेरे साथ भी हुआ है वो hmm. कि कोई गाना बिल्कुल फाइनल यू नो डब्ड एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड की रिलीज really, दो दिन पहले आई गॉट टू नो दैट समबडी एल्स सैंग दैट सॉन्ग एंड तो uh, क्या <laughs> बहते हैं ना बहते रोते हो आई एक्चुअली क्राइड क्योंकि वो मेरा पहला मूवी का गाना था

क्या कर सकते हैं यू सेट ना वालेबल तो आई वॉज वेरी वालेबल बैक देन कि ठीक है अभी क्या करूँ कोई बात नहीं आधा तो समझ गया हूँ मैं कौन है क्या है क्यों है बट <laughs> चलो वहां तक हम नहीं जाते ओके okay, एक्टिंग के बारे में सोचा कभी आपने सोचा नहीं ऑफर्स मुझे आए हैं अरे ये ऐसे बाल ऐसे बाल करके बोल रहे है। <laughs> ऐसे नहीं, मुझे लगता है हर एक नॉर्थ इंडियन चेहरा जो होता है लड़का है लड़की वो अपने आप को शीशे में देखता है और कभी ना कभी हमेशा कहता है कि ये चेहरा एक दिन स्क्रीन पे आएगा जरूर स्टार बनेगा

आई लव दैट गाय मुझे लगता है कि वो बहुत ही कैंडेड है म्यूज़िक तो उनका अच्छा है ही डेफिनेटली सॉन्ग्स आर मतलब दे आर रेज राइट नाउ बट आई लव द गाय आल्सो ही सुपर स्वीट आई फील एंड जिस तरह से उनका सोशल मीडिया इतना कैंडेड है ना मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर्स भी क्या कंटेंट बनाते होंगे जो वो सिंगर बनाता है सही बात है सो वो हर कैटेगरी में एक्सेल कर रहे हैं उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया एंड बींग अ पंजाबी आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम कि दिवाली इकतीस की है कि फर्स्ट की यार <laughs> बताओ 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 ये बड़ी कंफ्यूजन है है कुछ ऐसा कंफ्यूजन मुझे तो कह रहा हूं मेजर है इतनी कंफ्यूजन सालों में नहीं आई देखो मैंने 31 सुना है मेरे घर वाले 31 बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो 31 है चलो जी 31 में मना ले तो सी दिवाली yes. है ना ठीक <laughs> है बट हाउ दिवाली इस बार आप घर जा रहे हो बट एनी yes. दिवाली मेमोरी वी आर अराउंड द कॉर्नर है बिल्कुल दिवाली सो दिवाली इज़ द ओनली फेस्टिवल जो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ घर पर सेलिब्रेट करें आई आई नेवर टेक शो ऑन दिवाली कुछ प्री दिवाली शो जैसे अभी ट्वेंटी सिक्स को हमने बॉम्बे में किया बट आई डोंट मिस दिवाली आई जस्ट वॉन्ट बी विद माई फैमिली और uh, क्योंकि हर फेस्टिवल पे वी डू शोज यू नो थर्टी फर्स्ट डिसंबर वो आम परफॉर्मिंग एवरीवेयर सो आएम रियली लुकिंग फॉर्वर्ड एज बिन थ्री मंथ्स की मैं फैमिली से नहीं मिली हूँ सो hmm. so मेरे लिए दिवाली है घर का खाना

अच्छा सब कुछ मांगो एंड है भगवान करे कि आप बहुत सारे गाने गाओ आप वापस यहाँ पर आओ भगवान करे जो हमने क्वेश्चन आज एक होल्ड पे डाला है कि जब आप जज बनोगे <laughs> तब आप आके बताओगे कि जज की ज्यादा चलती है रियलिटी शो पे या <laughs> शो मेकर्स की, तो की, तो की ज्यादा बिल्कुल, चलती है बिल्कुल, हो सिटी रग रग में दौड़े सिटी